बिहार के सारण जिले में ससुराल वालों की पहल पर एक शादीशुदा महिला की उसके प्रेमी से विवाह करवाने का मामला चर्चा में है। ससुराल वालों ने बताया कि उन्होंने महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने परिवार में रजामंदी कर दोनों की शादी करवाने का फैसला लिया। इसको हम जिससे फंसा है ना, उससे हम शादी करा, हमारे यहाँ कहे के लिए हमें संबंधित करेगा। तो दोनों के आपसी रजामंदी थी? हाँ, रजामंदी, दोनों साइन करेगा, दोनों से पूछ कर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ओम प्रकाश वर्मा नाम के शख्स अपने गले में जूते चप्पलों की माला पहनकर जब ट्रेन में सवार हुए तो सभी का ध्यान खींच लिया। ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए बीते 2 साल से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और फिलहाल दिल्ली राष्ट्रपति भवन के लिए यात्रा पर निकले हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, 99% क्राइम नहीं कम होगा। जब तक हमें जूते की माला उनकी सेवा के लिए पहन रखा है, और अगर हम अपने इस मकसद में नहीं कामयाब होते तो हमने संकल्प लिया हुआ है कि मरने के बाद अंतिम यात्रा में भी फूलों की माला में ना जाकर जूतों की माला में जाना पसंद करूंगा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक अभय वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा पर सफाई कर्मी से मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली नगर निगम और सफाई कर्मचारी आयोग ने भी पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में जीवन ज्योति मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने एएनएम और जीएनएम नर्सिंग कोर्स की 99% छात्राओं को जबरन फेल कर दिया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने हालांकि समझा बुझाकर इस जाम को खुलवाया। ये लोग जब एडमिशन लेते हैं ये बोलते हैं कि हम सारे बच्चों को पास कराएंगे, गारंटी देते हैं। आज अब पहली बार हुआ है इस क्लास में सारे बच्चे फेल हुए कोई इस कॉलेज में, और बाकी के सालों जब से कॉलेज खुला सारे बच्चे पास जाते हैं, और ये चीटिंग से होती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। खराब मौसम की वजह से इसी जगह पर फंसे सैकड़ों सैलानियों को पुलिस प्रशासन ने रात में करीब 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया था। यूपी के बलिया में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जगह पर बिना पार्टीशन के 4 टॉयलेट सीटें लगाने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या सोचकर एक साथ 4 सीटें लगा दी गयी। बिहार की राजधानी पटना में राजस्व भूमि सुधार विभाग में अमीनों की बहाली को लेकर हुए प्रदर्शन में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी नजर आए। पुरानी नियमावली के अनुसार बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला तक प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। कानपुर में डीआरडीओ ऑफिस में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ये अजगर सड़क किनारे एक पाइप के अंदर घुसा हुआ था। ऑफिस के कर्मचारियों की इस पर नजर पड़ी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। पंजाब के बठिंडा में सैकड़ों किसानों ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में बुलाए गए इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने ड्रोन की मदद से ऑपरेशन चलाकर अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर उसे नष्ट किया।